नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 7 मार्च। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर सिवान जिले के दरौंदा के लोपर में 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं गुटनी के भगवानपुर बाबा भीमनाथ मठ पर आयोजित भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के लिए शनिवार को हाथी घोड़े बैंड बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा महायज्ञ स्थल से चलकर विभिन्न गांवों का भ्रमण करते हुए नजदीक के तालाब से जल भरकर पुनः महायज्ञ स्थल पर पहुंची, जहां आचार्यों के वैदिक मंत्रोच्चारण से महायज्ञ शुरू हुआ। इस दौरान जय जयकार से पूरा वातावरण गूंज उठा। जानकारी के अनुसार दरौंदा प्रखंड के लोपर स्थित रामनामा बाबा मठ परिषद में 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए कलश यात्रा निकाली गई, जो रमसापुर सिरसाव नया टोला होते हुए दरौंदा स्थित शिव राम जानकी मंदिर परिषद स्थित तालाब के पास पहुंचे, जलभरी की तथा पुनः यज्ञ स्थल पर पहुंची, जहाँ यज्ञाचार्य रामाशंकर महाराज व आचार्य रामकिशोर दुबे के वैदिक मंत्रोच्चारण से महायज्ञ आरम्भ हुआ। कलश यात्रा में देवी देवताओं की विभिन्न झांकियां प्रस्तुत की गई, जो आकर्षण का केंद्र बना रहा। अगली खबर, छपरा जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के जेपी सेतु के समीप अपराध की योजना बना रहे कुख्यात नट गिरोह के 2 सदस्यों को सोनपुर थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसपी संतोष कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इन अपराधियों में पटना गर्दनीबाग रोड नंबर 1 के मोहम्मद अजीज तथा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लाल बाजार के शंकर नट शामिल है, जिन्होंने बताया कि इन अपराधियों के पास से एक स्कॉर्पियो भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों ने इसके पूर्व से में हुई आपराधिक घटनाओं में अपनी संलिप्तता को भी स्वीकार किया है। एसपी ने बताया कि इससे पूछताछ के बाद कुछ और अपराधियों का नाम सामने आया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पटना से भी कुछ अपराधी सारण जिले में अपराध करने के फिराक में पूर्व में भी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। अगली खबर, भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के काजवलीचक में घर में हुए धमाके में घायल हुई आयशा मंसूर ने शनिवार की शाम दम तोड़ दिया। गंभीर अवस्था में सिलीगुड़ी के एक अस्पताल में आयशा का इलाज चल रहा था। धमाके में मरने वाले की संख्या 15 पहुंच गई। बता दें कि गुरुवार रात लीलावली के देवी के घर हुए धमाके के दौरान आयशा के घर का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ था। उसी क्रम में आयशा जख्मी हो गई थी। परिजन सिलीगुड़ी के इलाज करा रहे थे। स्नातक की छात्रा आयशा दुकानदार मोहम्मद सूर की पुत्री थी। इधर काजवली चक में हुए धमाके की जांच एटीएस ने शुक्रवार को की। पटना से 5 सदस्यीय टीम शुक्रवार की देर रात भागलपुर पहुंच गई थी। रात में थाने में पुलिस से जानकारी जुटाई। शनिवार की सुबह टीम जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने जमीन दोज हुए मकान के मलबे को बारीकी से देखा और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। लगभग 3 घंटे की जांच के बाद टीम चली गई। अगली खबर, इंटर मूल्यांकन के तहत 65% उत्तर पुस्तिका की जांच हो चुकी है। हर केंद्र पर 2 पालियों में मूल्यांकन कार्य चल रही है। विषयवार बने मूल्यांकन केंद्र पर कई विषयों की उत्तर पुस्तिका की जांच अंतिम चरण में है। इसमें अतिरिक्त विषय के अलावा भूगोल, इतिहास, जीव विज्ञान आदि शामिल है। बिहार बोर्ड की माने तो ज्यादातर विषय की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 60 से 65% तक पूरा हो चुका है। हिंदी और अंग्रेजी विषयों के सबसे ज्यादा उत्तर पुस्तिका बची हुई है। इंटर मूल्यांकन 26 फरवरी से शुरू हुआ और 8 मार्च तक चलेगा। अगली खबर, रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समाधान को जल्द अधिसूचित किया जाएगा। रेल मंत्री का यह बयान अभ्यर्थियों द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने के लिए गठित उचित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के एक दिन बाद आया है। यूपी और बिहार में रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा 2021 को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। रेल मंत्री ने ट्वीट कर बताया, उच्च अधिकार प्राप्त समिति को करीब 3 लाख अभिवेदन मिले, जिनका विश्लेषण कुछ दिन में ही कर लिया गया और कुछ दिन में आरआरबी समाधान अधिसूचित करेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने रेलवे ने प्रदर्शनों की वजह से परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता लिखित परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के ई प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी के नोटिस के अनुसार यदि ई प्रवेश पत्र के ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण से विभिन्नता पाई जाती है तो सुधार हेतु आयोग कार्यालय में संपर्क करें। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.bpsc.nic.in अथवा www.online.bihar.government.in पर उपलब्ध रहेंगे।
अगली खबर, बिहार के गया जिले में एक महिला ने अजूबे बच्चे को जन्म दिया है। जी हाँ, इस बच्चे का चेहरा मेढक की आकृति का था। अजूबे बच्चे के जन्म की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। डॉक्टरों के मुताबिक शुक्राणु में किसी तरह की कमी होने के कारण भ्रूण पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया। यदि यही इस बच्चा के साथ भी हुआ है, कहा जा सकता है कि इसके अविकसित बच्चे के रूप में जन्म लिया है। डॉक्टर ने बताया कि पूरे देश में इस तरह के कई प्रसव हुए जिनमें पैदा हुआ बच्चा बिल्कुल अजूबा दिखता है। हालांकि ऐसे अविकसित बच्चों के जीवित रहने की उम्मीद बेहद कम होती है। इस बच्चे का जन्म गुड़वा थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ है। डॉक्टर और नर्स भी इस बच्चे को देखकर हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि बच्चे कुछ देर के लिए जीवित रहा, फिर उसकी मौत हो गई। डॉक्टर के मुताबिक वह बिल्कुल एक मेढक की तरह दिख रहा था। बच्चे का सिर, हाथ पैर, कान, आंख, नाक बिल्कुल मेढक की आकृति से मिल रहे थे। ऐसे अविकसित बच्चे को देख लेबर रूम में मौजूद सभी नर्सिंग स्टाफ हैरान रह गए। अजूबे बच्चे के जन्म की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। अस्पताल में इस बच्चे को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचने लगे। बहरहाल, देखते रहिए वन न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।